ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज की जो डेट है वो है 14 जून, और लास्ट 2 वीक से क्या कोई भी ऑनलाइन जो ट्रेड है वो यहाँ पर लाइव ट्रेड नहीं डल पा रहा है, बिकॉज़ ऑफ कि यहाँ पर मैं थोड़ा बिज़ी था, मेरे घर का भी काम चल रहा था और भी 3-4 काम है यहाँ पर हमारे सामने आ गए थे। तो अब कोशिश ये रहेगी कि हाँ आज से लाइव ट्रेड डलेगा। तो अभी प्री ओपन मार्केट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर निफ्टी 50 में 28 पॉइंट्स का हमको यहाँ पर गैप अप देखने को मिल रहा है मार्केट में ओपन प्राइस। यहाँ पर अगर हम वनडे की टाइम फ्रेम में देख ले तो मार्केट ने कल एक अच्छी क्लोजिंग दी। हमारे पास कुछ पोजीशंस हैं यहाँ पर, तो निफ्टी की 200 क्वांटिटीज़ में हमारे पास यहाँ पर पोजीशंस है। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके बाद इन पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने का प्लान किया जाएगा। अगर बैंक निफ्टी को देख लें तो बैंक निफ्टी बिट नेगेटिव जोन में है अभी, क्योंकि सेलर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर 44,500 के नियर बाय में, तो देखते हैं। बट निफ्टी जो है यहाँ पर क्लियर कट अच्छे जोन में है, यहाँ पर अभी ऑल टाइम हाई को टच करने का ट्राई कर सकता है। 18887 का यहाँ पर मार्केट के पास हाई का टारगेट पेंडिंग है यहाँ पर। और निफ्टी में देखें तो बड़े टारगेट्स भी यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, जो एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो अगर मैं इसको चेंज करके दिखाऊँ आपको, कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बड़ी स्क्रीन में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आपको, तो इसको इस तरह से देख सकते हो अगर कैंडल स्टिक में नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ पर अभी वेट करेंगे, देखते हैं। मार्केट के पास अभी दो रेजिस्टेंस लेवल है, एक है 18777 का और एक है 18887। जहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है या इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर 19,000 का जो है हमारे पास मेन जो राउंड नंबर हर्डल आता है निकल के, तो देखेंगे, वेट करेंगे। प्री ओपन मार्केट में तो मार्केट पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल को अगर देख लें तो क्रूड ऑयल में जब से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था तो मार्केट रीटेस्ट करने के बाद सेलिंग में कंटिन्यू हो रहा था, अभी भी बस यहाँ से मार्केट नेगेटिव ही है। तो क्रूड ऑयल यहाँ पर डाउन साइड के मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, तो आज यहाँ पर इधर पॉज या फिर नीचे की तरफ रेड कैंडल डेली में देखने को मिल सकती है। तो देखेंगे क्रूड ऑयल में भी प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होगा तो क्रूड ऑयल भी ट्रेड किया जाएगा। ओके, मैं अपडेट करूंगा अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूं तो। ओके गाइस, हमने यहां पर निफ्टी में सी साइड में 8 लॉट्स में ट्रेड को लिया हुआ है, यानी 200 क्वांटिटीज, और हम 18750 के कॉल को ट्रेड कर रहे हैं। यहां पर देखेंगे निफ्टी में जो है निफ्टी 50 में आफ्टर द कंफर्मेशन यहां पर ट्रेड को लिया गया है। अब यहां से हमारा 12 पॉइंट का SL है और 1:2 का टारगेट यहाँ पर प्लान किया जा रहा है, तो वेट करेंगे, देखते हैं। और यहाँ पर हमारा 12 पॉइंट का यानी 2000 से 2500 के बीच में हमारा कुछ SL प्लान है। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 1:15 और यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूएशन को शो किया है, जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड प्लान किया था उसी डायरेक्शन में मार्केट ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर वेट करेंगे और हमारा जो प्लान है 65 रुपीस पे हमारा टारगेट है, तो टारगेट के लिए वेट करेंगे। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 2:10 और प्राइस अभी 54 पे ही चल रहा है प्रीवियस 45 मिनट से, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वीक है, देख सकते हैं बैंक निफ्टी वीक है और साइडवेज है, इसीलिए यहाँ पर जो है निफ्टी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है पॉजिटिव होने के बाद भी। तो यहाँ पर स्टिल हम वेट करेंगे अपने टारगेट के लिए, और अभी जो है हम अपना SL ट्रेल कर सकते हैं इस 15 मिनट के लो पर। तो इसका लो है 47 रुपीज़, तो मैं अपना 47 पे SL ट्रेल कर दूँगा क्योंकि अगर बैंक निफ्टी सेल ऑफ होता है तो यहाँ से मार्केट सेल ऑफ हो सकता है। तो हम अपने
ऑर्डर्स में जा कर के 47 पे एसएल ट्रेल कर देंगे तो फिर हम नियर बाय कॉस्ट या फिर थोड़े से प्रॉफिट में ब्रेक इवन पे यहाँ पर एग्ज़िट हो जाएंगे। अभी देख लें तो 2800 बैटरी भी चली गई, 2900 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट्स हैं। और अगर मैं निफ्टी का चार्ट देख लूँ तो हाँ अभी भी पॉजिटिवनेस है। तो और ऑप्शन के चार्ट में देख लेते हैं एक बार और, 47 ओके सही है सर, तो वेट करेंगे, जो भी होता है एसएलए टारगेट में अपडेट करूँगा। ओके गाइस, ये निफ्टी का चार्ट ओपन है और यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग एसएल लग गया है और ट्रेलिंग एसएल लगने के बाद हमारा जो प्रॉफिट्स है 1835 में हमारा यहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर कोई स्कैल्प की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो स्कैल्प करेंगे, अदरवाइज़ फिर यहीं क्लोज़ करेंगे आज।